मैंने तुम दोनों का देखा है, जैसे वीडियो में तुम लोग अभी एक्टिंग कर रहे थे, तो मैंने देखा जब जब तुम कोई रोने वाले भी डायलॉग बोलते तब भी हंसी आती। मेरी इसके ऊपर शव आपके ऊपर, जब ये कोई रोने वाली भी एक्टिंग करता है ना, लगता है कि कोई इमोशनल सीन है, तो वहां पर भी तेरे चेहरे पे हंसी आती है। ऐसा क्या है यार? सोचता नहीं है कैरेक्टर के बारे में, सिचुएशन के बारे में नहीं सोचता है? और शायद तुम्हारा सवाल क्या था? मेरा सवाल भी यही है, जब मैं डायलॉग बोलती हूँ तो उसमें जो मेरी आवाज है एकदम क्लियर नहीं आती है, ऐसा लगता है एकदम भारी सी आवाज निकल रही है, लड़कों जैसी। लड़कों जैसी आवाज निकल रही है। अच्छा हाँ, एकदम क्लियरिटी नहीं आती, एकदम डायलॉग फोकस नहीं जाता उस पर। अच्छा तो देखो मेन चीज क्या है ना, कि जैसे जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज भारी आ रही है या बेसफुल आवाज आ रही है, तो कुछ एक्सरसाइजेस करो यार वॉइस के लिए, इस अपनी आवाज को पतला करने के लिए। आप सा का भी रियाज कर सकते हो, लाइक दैट लाइक दैट सा सा, या फिर बैलून भी फुला सकते हैं। उससे भी आवाज में आवाज पतली होगी आपकी। आप तो फिलहाल फीमेल हैं तो जाहिर सी बात है, मगर बहुत सारी फीमेल्स की भी मैंने आवाज देखी है, भारी होती है, लड़कों जैसी आवाज होती है। तो वो भी ये एक्सरसाइज अगर करें, सा का रियाज करें और बैलून को फुलाएं 4-5 बार सुबह शाम, तो उससे क्या होगा ना, आवाज जो गले के जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, उनकी एक्सरसाइज होगी। तो हमारी जब बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि जोर से बोलते हैं, जैसे कोई चीख के बोला तो उसकी आवाज बैठ जाती है, या बहुत देर तक बोलने लगे तो आवाज बैठ जाएगी। तो क्या होता है कि गले की प्रैक्टिस नहीं होती हमारे, एकदम से लोड आता है ना जब गले पे, तो यार कॉर्ड तो जाहिर सी बात है फिर एकदम स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर, तो आवाज बैठ जाती है। एक सवाल और है मेरा, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको स्लो कैसे करूँ? अच्छा स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी बहुत जल्दी बोलती बहुत हूँ। जल्दी जल्दी बोल देती हूँ मैं, एकदम 1 मिनट का डायलॉग तो बहुत मतलब 40 सेकंड में ही बोलकर खत्म कर देती हूँ। नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं जल्दी, ऐसा नहीं है, जल्दी बोलने वाले लोग भी बोलते हैं, मगर उनकी एक एक शब्द क्लियर होगा। अगर आप जल्दी भी बोलते हो ना तो शब्द क्लियर होना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जल्दी भी बोलते हो तो आपका शब्द क्लियर होना चाहिए, ठहराव नहीं आ पाता। ठहराव नहीं है। तो उसके लिए सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो ये है कि जैसे पेंसिल लेके आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, पेंसिल लेके यहां पर लगाया और कोई रीडिंग ले लीजिए या कोई डायलॉग बोल लीजिए। उसको कोशिश करिए कि जैसे आपने जब पेंसिल लगाओगे तो आपसे बोला नहीं जाएगा उस टाइम पे, है ना, ऐसे ऐसे होगा। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो कि पेंसिल लगा के कोशिश करना है कि हम मुझे साफ बोलने की कोशिश करना है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ा सा यहां पर भी दर्द होने लगेगा हल्का फुल्का, मगर जब आप पेंसिल लगा के उसको बोलोगे ना, तो आपको कोशिश करना है कि मुझे जो शब्द बोल रही हूँ वो क्लियर बोलूं, पूरा प्रयास करना पड़ेगा, लगेगा मीन्स थोड़ा सा लगेगा। तो जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपका हर शब्द बहुत साफ निकलेगा, बहुत दमदार निकलेगा। और कुछ लोगों को मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं बोलने वाली, जैसे जो लोग तेज बोलते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि चबा के बोल सकते हैं, कोई डायलॉग पढ़ रहे हैं कि मैं आज यहां गया था, तो हाँ सो एक्सरसाइज जो पेंसिल वाली करोगे उसमें भी यही करना पड़ेगा, साफ बोलने का प्रयास करोगे शब्द, ये जब प्रैक्टिस करोगे ना 10-15 दिन 1 महीना, आप देखो आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, है ना। और सर आप बताएं, तो आप ये बताइए, जब आप कोई इमोशनल रोल करते हैं तो चेहरे पे हंसी क्यों आती है आपके? मेरे तो हमेशा चेहरे पे हंसी रहती है, मेरे तो हमेशा चेहरे पे हंसी रहती है, लेकिन हमेशा हंसी वाला रोल नहीं करना पड़ता ना हमें। हाँ तो तुम्हें हर हर वक्त ऐसा कैरेक्टर मिले कॉमेडी है, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, बेहतर रहेगा। अबे जब कोई कैरेक्टर मिलेगा तो उसके लिए भगा देगा डायरेक्टर, कहीं पता चला शूट चल रहा हो इसने कोई इमोशनल सीन है और हंस रहा का शूट है और डेड बॉडी हंस रही है ऐसे करके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई जब आप कोई सीन करते हो ना, तो थोड़ा सा सीन को फील करो, जब आप फील करोगे ना हल्का सा, उस उतने पर्टिकुलर टाइम को फील कर लो, उतना सा जो पीस है, मान लो आपका 1 मिनट का सीन है, 30 सेकंड का सीन है, उतने पर्टिकुलर टाइम को आप एकदम से फील कर लो कि मेरा ये कैरेक्टर है, एकदम से जब फील करोगे ना तो वो आ जाएगा, मीन्स आपका जो चाहिए डायरेक्टर को या जो सीन में डिमांड है वो आ जाएगी। इस तरह की चीजें करो। और दूसरा आप कुछ सैड म्यूजिक सुनो, सैड म्यूजिक सुन के आप थोड़ा सा उसको फील करो, सैड म्यूजिक सुन के फील करो, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये चीजें करो तो इससे काफी फायदा पहुंचेगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी और कोई सवाल तो नहीं किसी का? चलो बिलाल मुझे निकलना है, मिलते हैं जल्दी, कोई सवाल है वो बताना मुझे, ठीक है।
थैंक यू गाइस।